بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान राम फरमाने वाला है. मेरे मोहतरम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रमज़ान मुबारक के तीसरे अशर में हम लोग दाखिल हो चुके हैं. तो हमारे तरफ से आप लोगों को एक ख़ास गुजारिश है कि आप लोग दुआए खैर में याद फरमाइए और ख़ासकर इबादतों में ज़रा तवज्जो फरमाइए. बाज़ारों में घूमना फिरना ज़रा कम कीजिए ताकि रमज़ान मुबारक की इबादतों की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं. छोटी सी छोटी इबादत भी फ़र्ज़ के बराबर उसका अजर मिलता है. तो लिहाजा आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम में हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले. तो लिहाजा इंशाल्लाह आप गौर से सुनिए, डॉक्टर साहब आपको बेहतरीन नुस्खा बताएंगे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर. रोज़ की तरह आज भी है सो हम एक मौजू लेकर आए हैं और आज हम एक दवा नहीं बल्कि एक ऐसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही आम हो चुका है, बहुत ही कॉमन है और बहुत ही पेशीदा है और बहुत ही मुश्किल है, लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है. और वो कंडीशन, वो बीमारी का नाम है खप्स, जिसको अंग्रेज़ी में कहेंगे कॉन्स्टिपेशन. खप्स एक ऐसी शिकायत है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को जो फजला है, इंसान का जो फजला है जिनको आप ज़बान में पैखाना कहते हैं, वो बराबर मकदार में ख़ारिज नहीं होता या बराबर मकदार में ख़ारिज नहीं होता या बिल्कुल भी ख़ारिज नहीं होता या गैसेस की शक्ल में ख़ारिज होता. बहरहाल जब इंसान अपनी हाजत के लिए बैतुलखला जाता है, जाकर अखराज के लिए जब उन्हें अपना वक्त देता है तो उसको खातिर ख़्वाह फजले का अखराज नहीं होता. वो कैफियत को कहेंगे खप्स. तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम बीमारी है. मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरे तजुर्बे के हिसाब से हर 10 अशखास में 8 अशखास इस बीमारी में मुब्तला है, इस कैफियत में मुब्तला है. हर इंसान यही मुझे एक आकर बोलता है कि डॉक्टर साहब खप्स की शिकायत है, पेट में गैसेस बहुत आ गए हैं, गैसेस का अखराज हो रहा है, गैसेस पैखाना या फजला बराबर मकदार में नहीं ख़ारिज हो रहा है, जिसकी वजह से एक किरबो बेचैनी की शिकायत हमको आ गई है. तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें और इसकी जो सही अद्वियात है वो हमको फराहम करें. ये हमारे पेशेंट के और आम लोगों के अल्फाज हैं जो मैंने आपसे अभी बयान किया. तो खप्स एक ऐसी शिकायत है जिसमें फजले का अखराज बराबर ना हो या हुआ भी तो थोड़ी थोड़ी मकदार में हो और रिया का काफ़ी मुश्तमा हो, इज्तमा ज़्यादा हो जाएगी मैदे में. तो नाज़रीन, इसके हम देखेंगे कि ये खप्स क्यों हो रहा है. खप्स कोई ख़ास बीमारी नहीं है. खप्स एक कैफियत है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो हमारी कारकर्दगी है उसकी वजह से ये खप्स हमको लाहक हो रहा है. सबसे पहले ख़राब ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, उसकी ख़ास वजूहत, जैसा कि दावतों में आप जाते हैं, दावतों में कसरत से मुरग़न ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि आप जब किसी दावत में गए, दावत में जब आप बैठते हैं तो पहले मरग आता है या प्लेटर इस्तेमाल करते हैं, वो भी काफ़ी सखील ग़िज़ा रहती, उसके साथ फिर मरग या हलीम का इस्तेमाल करते हैं, वो भी काफ़ी सखील ग़िज़ा है. फिर उसके बाद, उसके फौरी बाद आप रोटी और चिकन का इस्तेमाल करते हैं. रोटी वो भी मैदे की बनी हुई रहती, मैदे की रोटी. मैदा मैदे का दुश्मन, मैदे की रोटी जो मैदा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैदे का दुश्मन है. तो फौरी जब आप मैदे का इस्तेमाल, वो ग़िज़ाएँ आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, प्लेटर,
फिर आप मरक या हलीम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद मैदे की रोटी मैदे की रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैदे के लिए मुज़ीर है, उसके साथ फिर खाले मसालेदार आप चिकन का सालन इस्तेमाल करते हैं, तो नाज़रीन आप देखें कि किस तरह से आपके मैदे पे जुल्म हो रहा है। फिर आपकी कोई चहलकदमी नहीं हो रही है, आप वो मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर मीठा खा रहे हैं, तो खारे में आपका बीपी बढ़ेगा, मीठे में आपकी शुगर बढ़ेगी और साथ ही साथ आपका जो मैदा है वो ख़राब हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक आपको कब्ज़ की तरफ लेकर चला जाएगा। और वर्जिश का फ़क्दान, यानी हम वर्जिश नहीं करते हैं, हम खाना खाने के फौरी बाद सो जाते हैं, खाने के बाद वॉकिंग नहीं करते हैं, तो खाने के बाद वॉकिंग करना ज़रूरी है। और हमारी जो तंबाकू नोशी है, सिगरेट नोशी है, जो मंशियात का इस्तेमाल है, ये सब चीज़ें ख़ास वजूहत है ये कब्ज़ के पैदा होने के। हमारी डाइट में से हम फाइबर डाइट्स को हम बिल्कुल भूल गए हैं, वेजिटेबल्स को हम बिल्कुल भूल गए हैं। जब आप दावत में देखेंगे, जब आप टेबल पर बैठे रहेंगे, सलाद की प्लेट वैसी रहेगी, एक चीज़ भी उसमें ख़र्च नहीं होगी, पूरे मुरक्कन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल होंगे, जबकि सलाद आपको कसरत से इस्तेमाल करना है ये चीज़ों से दूर होने के लिए। तो नाज़रीन, इसका ख़ास इस्तेमाल मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कौन से चीज़ें आप घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करके आप ये कब्ज़ की बीमारी से दूर रह सकते हैं। सबसे पहले आप हड़ का इस्तेमाल करिए, हड़ एक दवासाज की दुकान पे एक फल मिल जाएगा आपको, उसका पाउडर करके रोज़ रात में कुनकुने पानी के साथ पीजिए और सुबह में नहार पे पानी को कुनकुना करके उसमें 3-4 खतरे नींबू का रस निचोड़ के उसमें 1 चम्मच शहद मिला के नहार पेट इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह ताला उससे आपका कब्ज़ दूर हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप जो सरसों का तेल है, सरसों का तेल पेट पर डाल के हल्की हल्की मालिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उससे आपका कब्ज़ दूर हो जाएगा। और जो अशखास नहार पेट जो सेब का इस्तेमाल करते हैं उनको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। आप सेब का इस्तेमाल खाने से पहले कीजिए, खाने के बाद अगर करेंगे तो वो कब्ज़ पैदा करेगा, खाने से पहले वो कब्ज़ की शिकायत को दूर करेगा। और उसके साथ साथ आप नहार पेट 1 पाव किलो 250 ग्राम गाजर को चबा चबा कर खाइए, उससे आपका पेट साफ़ हो जाएगा और कब्ज़ रफा हो जाएगा। और अपने जहन को पाक रखिए, जहन में कोई नेगेटिव सोच मत लाइए कि मैं कब्ज़ में मुब्तला हूँ, आप यही सोचिए कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो उससे आपकी हाजत जो आपका फजला है वो आसानी से खारिज होगा। और जहाँ फजला खारिज करने की जो जगह है बैतुल खला, उसमें सफाई का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि अगर वहाँ पर गंदगी मौजूद होगी, अगर वहाँ से बदबू आएगी तो ऑटोमेटिक आपके जहन पे मुज़िर असरात रहेंगे, भाई यहाँ बदबू है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, तो उससे ऑटोमेटिक आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी, क्योंकि फजले का अखराज बराबर नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये चीज़ें हैं। और अंजीर का इस्तेमाल करिए आप, अगर अंजीर का मुसलसिल अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो दायमी कब्ज़ है वो दूर हो जाएगा। अंजीर के 4 टुकड़े करिए, रात में पानी में भिगा के रखिए, सुबह नहार पेट अंजीर के टुकड़े खा लीजिए, फिर ऊपर से पानी पी लीजिए, इंशाल्लाह कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। और कम से कम अगर आप वर्जिश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक 20 से 25 मिनट वॉक करिए, और ग़िज़ा तरकारियों का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, मुरक्कन ग़िज़ाओं से परहेज़ करिए, दावतों में गए तो अपने खाने का ख्याल रखिए, और गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, ना कि ठंडा पानी। ठंडा पानी आपके मैदे को सिकुड़ देता है और कब्ज़ पैदा करता है। गर्म पानी या कुनकुना पानी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके मैदे को फैलाता है और आपके इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट्स है उसको इंक्रीज़ करता है, जिसको बोवल मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ होंगे तो ऑटोमेटिक आपका कब्ज़ दूर हो जाएगा। तो नाज़रीन, बहुत सारे और चीज़ें हैं जो कब्ज़, लेकिन ये मामूली मुख्तसर से मैं आपको दवाएँ अद्वियात बताया हूँ, जो आप जिसका जो घरेलू तरकारियों के साथ अब ये जो मैंने बताया है फ्रूट्स का इस्तेमाल करके आप अपने कब्ज़ को दूर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम वीडियो को जितना हो सके शॉर्ट बनाने की कोशिश में, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, ऐसे ही आपको हम वीडियो छोटे छोटे मुख्तसर भेजते रहेंगे। और हमारे पास है हयातुल जदीद, ये कब्ज़ का भी जो है ना शिकायत को दूर करेगा, ये कलौंजी का बनाया हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कलौंजी को अपनी आदत में रख लेगा वो हर बीमारी से महफूज रहेगा। ये कलौंजी से बनाया हुआ है, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी, कैंसर सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को बीमारी ना हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बॉटल महीने को सुबह शाम एक एक कप खाने से पहले पी सकते हैं इसको। इसको हासिल करने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप रابطہ कीजिए, और शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद के पास ये आपको मिल सकता है। और जो लोग कंसल्ट करना चाह रहे हैं, कंसल्टेंसी की कोई फ़ीस नहीं है,
और ट्रीटमेंट की कोई फ़ीस नहीं है। बगैर फ़ीस के ट्रीटमेंट होगा, बगैर फ़ीस के कोई कंसल्टेंसी होगी हमारे पास, और जो दवाइयाँ लेते हैं उसके माकूल पैसे लिए जाएंगे। और हमें नंबर पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 8801775108 8712555108। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।